वेलकम टेक वेटो गुरु, मैं आपका विकास अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि आपका पेपर आज का बहुत एटीट्यूड है बिजनेस सिस्टम का। तो पेपर सेट मेरे पास अवेलेबल है पीडीएफ के तौर पे, अभी इसका सलूशन हम लोग करेंगे। और काफ़ी ईजी पेपर था, और जो भी आपको बताया गया था गैस पेपर या इंपॉर्टेंट या मॉक टेस्ट जो भी बताया गया था, पूरा पूरा पेपर आपका 100% पेपर आपका मिल गया है। तो जिन लोगों ने भी तैयारी कर रहे थे हमारे चैनल से या व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे तो उनको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो इसका सलूशन करते हैं जल्दी जल्दी, और इसके जो वीडियो आपको है शाम तक आपको मिल जाएगी, और कल के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखता जाऊँगा, आप नोट कर लें। जो इसमें आंसर ठीक है आप उस पर ना देखें, क्योंकि स्टूडेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो उनके जो आंसर है वो ना आप ना देखें, जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप करेक्शन करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर आपको दिया था, इसके इक्विवेलेंट आपका कौन सा होगा, तो बताना है ए बी सी डी। तो मैं आपको यहाँ पे करवाता जा रहा हूँ, मैं इसमें लिख दूंगा क्योंकि इस पे आपका टिक होगा नहीं। तो पहले का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन बनेगा, तो पहले का ए ऑप्शन टिक कर लें, यानी कि 227। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे इस प्रकार से, 1 × 2 की पावर 7, इस प्रकार से कैलकुलेशन जब करेंगे तो टोटल आपका आएगा 227। आप करके देखिए, बाइनरी वाली वीडियो मैंने बताई थी उसमें आपको ये करेक्शन करना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। तो दी वैल्यू ऑफ प्राइमरी की आपकी होती है, उसको आप जो है कैन बी नल कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी। तो सेकंड का ऑप्शन बी बनेगा, बिल्कुल आपका ठीक है। तो इन्होंने बी लगाया, इनका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो कि है आपका लाइनेक्स। आपका क्या है लाइनेक्स, जिसे आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया लाइनेक्स विंडोज आपका जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बनेगा सी, लाइनेक्स इसे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास एम आई एस स्टैंड फॉर, तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था पढ़ने के लिए, तो वही आपका फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका सी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम आई एस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दी मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउजर इज, यानी कि आपका इसमें से कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउजर है। तो इसमें आपको फंसाने के लिए यहाँ पे बोथ का ऑप्शन भी दिया गया है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी बनना चाहिए, बाकी आपको जो भी लगे, क्योंकि दोनों ही आपके नेटस्केप और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो यहाँ पे है दोनों ही आपके वेब ब्राउजर हैं, तो 1.5 का ऑप्शन बनेगा सी। आगे चलते हैं 1.6 पे। तो 1.6 है आपका यहाँ पे मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायोस, यानी कि मेमोरी आपकी जो है वो बायोस की जो मेमोरी वो उसकी आप किसमें स्टोर करते हैं। तो सिंपल सा आपको बताया गया, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इन्होंने कैश मेमोरी लगाया तो गलत है, तो आपका ऑप्शन बनेगा रोम, यानी कि ए ऑप्शन बनेगा। आपने देखा होगा कि मोबाइल में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं उसमें आप किसमें स्टोर होते हैं, रोम आपको फाइल मिलती है जिससे आप उसको फॉर्मेट वगैरह करते हैं। तो 1.6 का ऑप्शन बनेगा ए, रोम। 1.6 है एसक्यूएल का स्टैंड फॉर्म, मैंने आपको बताया था कई बार कि आपका फुल फॉर्म आएंगे, तो बी ऑप्शन बनेगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1.6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इसे कम्युनिकेशन डिवाइस, तो कम्युनिकेशन प्रिंटर मॉनिटर और कीबोर्ड ये आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ये आपकी इनपुट आउटपुट पे काम करेंगी, और मॉडम जो है जिसको आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो ऑप्शन बनेगा डी, 1.8 का ऑप्शन आएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो इसमें आपका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस का फीचर होता है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या उसमें आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका बनना चाहिए। तो आपने देखा है एमएस वर्ड का अगर आप यूज करेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता, मान लीजिए आपने कोई चीज लिखा और कंट्रोल एफ दबाया, तो यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिलता है इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट कोई मोर ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें फॉर्मेट में आपको हाईलाइट स्टाइल फ्रेम आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, खाली आप उसको फाइंड करने का ही काम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ऑप्शन इसमें बनेगा रिप्लेस 1.9 है आपका, तो बी ऑप्शन इसमें होना चाहिए, बाकी आपने जो भी लगाया हो, तो 1.9 का बी ऑप्शन बनेगा रिप्लेस टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट ओनली, इसका टेक्स्ट आप ओनली रिप्लेस कर सकते हैं, आपका रिप्लेस का पूछा गया है और रिप्लेस टेक्स्ट और फॉर्मेट, तो आप ऑप्शन बनेगा बी मेरे अनुमान से, बाकी आपका जो भी इसमें सही आपने लगाया हो, नाम वगैरह उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नंबर इज बेस 16 इज कॉल्ड, तो 16 बेस आपको पता है हेक्सा डेसिमल का आपका 16 और ऑक्टल का 8 होता है, बाइनरी का 2, इस प्रकार से आपका चलता है डेसिमल का 2, तो ऑप्शन बनेगा 16 है, तो यहाँ पे एच होगा, यानी कि हेक्सा डेसिमल, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो आप टोटल कर लें कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं, बाकी अगर किसी में डाउट है
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपके पास जो हो उसमें आप देखें। तो यूनिक्स से फ्री रिलायबल अल्टरनेटिव विंडोज एक्सपी, ये ट्रू है कि फॉल्स है, जो मैं बता रहा हूँ इधर वही आप देखें। तो विंडोज एक्सपी की बात करें, एक्सपी की जगह क्या आप यूनिक्स को यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये फॉल्स ऑप्शन होगा। तो पहले का ऑप्शन बनेगा आपका फॉल्स, बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसकी जगह आपको लाइनक्स यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विंडोज क्लीपबोर्ड कैन बी होल्ड मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेकेंड का ऑप्शन बनेगा आपका बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर तीन है, बाय डिफॉल्ट दी नंबर आर लेफ्ट अलाइन एट दी एंड टेक्स्ट इज राइट अलाइन इन ए स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट यानी कि आपका ये हो गया, एक्सेल में अगर आप लिखते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो नंबर को लिखा वो आपका राइट साइड में जाएगा, और डेटा को लिखा कोई अल्फाबेट को लिखा तो वो आपका लेफ्ट साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, वो उल्टा देने का मतलब है यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा फॉल्स। तो तीन का ऑप्शन बनेगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर है, यहाँ पे देखते हैं, ए ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यूइंग वेब पेजेस ऑन ए इंटरनेट, तो फोर्थ का जो ऑप्शन बनेगा आपका बिल्कुल सही है। आप जो आप ब्राउजर यूज करते हैं वो आपका व्यूइंग वेब पेज और इंटरनेट सभी चीज दिखाता है, तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का ट्रू। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं, काफी इजी पेपर है, आप देख सकते हैं। वर्ड फाइल कैन बी नॉट प्रोटेक्टेड, यानी वर्ड को क्या आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा फॉल्स, बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइंड डॉक्यूमेंट एज लिंक टूगेदर टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट इन वर्ल्ड वाइड वेब, तो अगर हिंदी में समझ लें, विशेष रूप से तैयार किए गए दस्तावेजों को एक श्रृंखला में देखे जाने के लिए सभी जुड़ी फाइल वेब पे उपलब्ध होती हैं, तो ऑप्शन बनेगा सिक्स का बिल्कुल सही है आपका ट्रू है। सेवन पे चलते हैं, रोम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, अभी आपको कुछ दिन पहले ही मॉक टेस्ट करवाए गए थे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिले थे, तो सेवन का ऑप्शन बनेगा फॉल्स। रैम आपकी वोलेटाइल है और रोम आपके जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर एट है, एमएस वर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो अभी कल की वीडियो के मॉक टेस्ट में आपको बताया गया था, एमएस वर्ड जो है आपका वो आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था टिप्स वाली वीडियो में, तो एमएस वर्ड जो आपका है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो 2.8 का ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स। नाइन नंबर पे चलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेडेड वीडियो साउंड, तो सारी चीजें आपको होती हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आया था कल की परसों मॉक टेस्ट में, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। इन एमएस एक्सेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अनडन, यानी कि उसको अनडू कर सकते हैं, यानी कि रिस्टोर कर सकते हैं अगर आपने उसको डिलीट कर दिया है, तो फॉल्स होगा, क्योंकि उसको आप अगर कोई टेक्स्ट वगैरह है तो वो आपको हो जाएगा, लेकिन एक्सेस में अगर डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को तो वो बैकअप नहीं आता, यानी कि वो बैक होकर नहीं आएगा, अंडू होकर नहीं आएगा, तो ऑप्शन बनेगा फॉल। जी आपका पूछा गया, इन एम एस एक्सेल डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अनडन, फॉल्स, आप उसको अनडन नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, ट्रू होगा ऑप्शन, यहाँ पे मैंने फॉल्स लगा दिया, ट्रू, आप उसको अंडर नहीं कर सकते, तो बिल्कुल वो सही कह रहा है, तो यहाँ पे ट्रू लगा ले। आगे चलते हैं और उसको देखते हैं, आपके काफी इजी क्वेश्चन है ये भी आपके, मैच द कॉलम। तो पहला है आपका डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ डायल अप मॉडम, तो डेटा ट्रांसफर आप किस में करते हैं, एक ही ऑप्शन इसमें आपका दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर के, यानी कि पहला आपका है डेटा ट्रांसफर रेट डायल अप मॉडम का, आपका डेटा ट्रांसफर किसमें होता है, केबीपीएस एमबीपीएस या जीबीपीएस में, तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का के, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, पहले का ऑप्शन बन जाएगा के। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ए डिवाइस डेट एकम्पोलिस मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन आपका किसमें होता है, मॉडम में होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ई, ई में आप देख ले मॉडम ऑप्शन दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यूएसबी का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया, तो एच ऑप्शन बनेगा, एच में आपका दिया है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, मैं दोनों को छोटा करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर फोर है आईपीआर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जे ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद आपका है प्रोसेसिंग डेटा आपका किसमें होगा, तो इन्फॉर्मेशन कोई डेटा होगा उसको आप प्रोसेस करेंगे, तो ए ऑप्शन बनेगा आपका फिफ्थ का। सिक्स नंबर है शॉर्टकट टू प्रिंट बी, तो प्रिंट करना है अभी कल के क्वेश्चन में आपको बताया गया था, बी ऑप्शन बनेगा कंट्रोल पी,
सिक्स का, सेवन पे चलते हैं। इट इज़ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल, तो वीडियो फाइल के लिए आपका कौन सी है, यहाँ पे AVI आपका दिया गया, तो सी ऑप्शन होगा 1.7 का। एट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू ऑपरेट, ये भी आपका कल या परसों के क्वेश्चन में आपको दिया गया था, डी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे दिया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है आपका वो मैकिंटोस होता है, तो ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है सीपीयू मेमोरी यूज थी, तो आपका रैम ऑप्शन बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम बेस टू आपका कौन सा होता है, बाइनरी का होता है, तो ऑप्शन बनेगा एफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक में पहला ऑप्शन है आपका पहला है आपका फैसिलिटी कॉपी ओनली फॉर्मेट ऑन दी सिलेक्टेड टेक्स्ट नॉट ऑन दी कंटेंट, आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट और नॉट ऑन दी कंटेंट करना है, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे एक ही है फॉर्मेट पेंटर, तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का के। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फॉन्ट का नाम बताना है, तो फॉन्ट का नाम यहाँ पे कैलिबरी आपका दिया गया, ये आपका फॉन्ट का नाम है, तो सेकंड का ऑप्शन बन जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है इस रैपिड डिस्प्ले, यानी कि रैपिड यानी कि एक के बाद एक डिस्प्ले आपकी आती जा रही कॉन्टिन्यूस, तो आपका क्या होगा एनिमेशन आएगा, तो ऑप्शन बनेगा एल। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पीड ऑफ लेटेस्ट कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए गीगा हर्ट्स में आप प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बनेगा एफ। कैन कैन कंटेन फाइल एज वेल एज सब फोल्डर, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते हैं, तो सब फोल्डर आपका कहलाता है, तो ऑप्शन बनेगा सी, फोल्डर आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेस ऑफ ऑक्टल है, तो ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है, तो ऑप्शन बनेगा आई, यहाँ पे दिया गया है। 7 नंबर ए कमर्शियल चेंज बिटवीन कॉमर्स कंडक्ट ओवर एब्रिविएशन ऑफ, तो ये आपका B2C कॉमर्स आपका आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा बी, ये आपका नया क्वेश्चन एक बार ऐड किया गया है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो बी ऑप्शन बनेगा। और इसमें आपका इस नेटवर्क आपकी टोपोलॉजी कौन सी है, तो एक ही आपकी यहाँ पे दी गई स्टार, तो ऑप्शन बनेगा एच। 9th में एच ऑप्शन बनेगा। 10th है यूनिक्स कमांड, तो यूनिक्स कमांड की बात करें तो इसमें कोई आपका कमांड नहीं, सिर्फ M2M जो दिया गया एक ही आपका ये कमांड है, तो 10th का ऑप्शन बन जाएगा ई। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा दसवां, तो इस प्रकार से था पूरा सोल्यूशन, काफी इजी पेपर था, पूरा सोल्यूशन मैंने कर दिया है, इसको आप मिला लें और जितने भी आपके नंबर बने 20 नंबर तो आप पास इसमें हो जाएंगे। और पार्ट टू की बात करें तो अगर आप गेस्ट पेपर की उठा के देखेंगे हमारा, तो उसमें लगभग ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो कल के पेपर का अगर आपको गेस्ट पेपर नहीं मिला या नोट्स नहीं मिले तो प्लीज़ आप परचेज कर लें, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन ये आपको एक एक उसमें करवाए गए थे और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर आप कॉन्टेक्ट करें।